हेलो ऑल, माय सेल्फ पीयूष कुमार सिंह। सबसे पहले तो अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के टॉपिक है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसेड्यूलिंग पढ़ रहे थे। डिसेड्यूलिंग में हमने HCFS शेड्यूलिंग पढ़ा हुआ है इन द लास्ट लेक्चर। अगर आपने उसको व्यू नहीं किया तो आप पहले उसको देख लें। फिर आज हमें पढ़ना है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन जो हमने HCFS में लिया था उसको हम SSTF से सॉल्व करते हैं। एक डिस्क है जिसमें 200 ट्रैक है, काउंटिंग है 0 से 199। रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई है क्यू को ट्रैवल करने के लिए वो ये है 82, 170, 43, 140, 24, 16 and 190। करंट पोजिशन ऑफ RNW हेड इज 50, मतलब करंटली हम 50 वाले ट्रैक पे हैं और ये रिक्वेस्ट आई है। इन सारी रिक्वेस्ट को हमें फुलफिल करना है तो टोटल कितने रीड राइट हमारे मोमेंट होंगे हेड के, ये हमें कैलकुलेट करना है। और जो एल्गो का इस्तेमाल हम करेंगे दैट इज SSTF। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। इस अज्यूम कर लेते हैं ये ट्रैक है 0 से 199, करंटली वी आर एट 50। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास क्यू आई है इसमें से सबसे कम किसकी है। ठीक है, इसमें से कम का मतलब कि हम जहां पे हैं यहां से कम किसकी है। ऑल्दो इसमें सबसे कम कौन है, इसमें सबसे कम है 16 सबसे कम। ठीक है, लेकिन हम तो भी 50 पे हैं ना, तो अब हमें सबसे, मेरे लिए सबसे पास कौन है 43। अगर हम 43 की बात करेंगे तो 50 से 43 पे आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, सिर्फ 7 मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, 16 पे बहुत ज्यादा, 16 इस पूरे क्यू का मिनिमम है, लेकिन वो मिनिमम हमें कौन सा मिनिमम निकालना है, हम जहां पे हैं वहां से मिनिमम डिस्टेंस पे अगली रिक्वेस्ट कौन सी आई है। ठीक है, अभी हम 50 पे हैं, कहां पे जाएंगे 43 पे। ठीक है, अब जब हम 43 पे आ गए, अब हम फिर चेक करेंगे कि अब हमारा अगला मिनिमम कौन है, मतलब इससे पास में रिक्वेस्ट कौन सी आई है। तो आफ्टर 43 के पास रिक्वेस्ट कौन सी आई है, 43 से जब मूवमेंट करेंगे यहां पे कहां पे आ जाएंगे 24। ठीक है, फिर 24 से अब हम करंटली 24 पे हैं, अब इससे पास में कौन है, इससे पास में 16 है, इसके पास में कौन है 16, हमने ये मूवमेंट कर ली। अब 16 से पास में कौन है, हम लोग कौन कौन से मूवमेंट कर चुके, ये हमने चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, अब जो बच गया है 82, 170, 140 and 190। अभी हम 16 पे हैं, 16 से जब आप आगे बढ़ेंगे सबसे पहले आपको कौन सी डिजिट मिलेगी 82, तो 82 उसके सबसे पास में होगा, तो यहां से मूवमेंट करेंगे यहां पे कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिस इज 82, क्लियर। आफ्टर 82 जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 140। ठीक है, 140 से जब आगे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा 170। आगे जब मूवमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा 190। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज यहां पे 190। तो इस तरीके से हमने सारे मूवमेंट्स कर लिए, सारे जो भी हमारी रिक्वेस्ट क्यू थी उसको हमने सॉल्व कर लिया विद दिस वे। हमें ख्याल क्या रखा कि हम किसी पॉइंट पे हैं, यहां से जो सबसे पास वाली रिक्वेस्ट है उसको हमने ट्रैकल किया। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना होगा सेम, तो आप ये डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे, लेकिन बेस्ट क्या है कि जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट है उनको हम स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ कैलकुलेट कर लें। तो अभी हम है यहां 50 पे, लास्ट पॉइंट क्या है 16, तो 15 माइनस 16 प्लस 16, यहां से ये एक ही डायरेक्शन मूवमेंट है तो क्या हो जाएगा 190 माइनस 16। ठीक है, तो यानी कि ये सिर्फ दो आप सॉल्व कर लोगे, वरना आप क्या बोले एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रिक्वेस्ट हैं तो 7 पॉइंट्स आएंगे। 7 या तो आप 7 को सॉल्व करें या तो आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपका टाइम बच जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 208। ठीक है, तो SSTF क्या है, ऑप्टिमल रिजल्ट हमें देता है, बेहतर रिजल्ट हमें देता है। लेकिन जो इसमें आपकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसका रिस्पांस टाइम अच्छा है। ठीक है, सीक टाइम हमें कम दिया इसने, टोटल नंबर ऑफ,
लेकिन जो इसमें दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, नंबर वन स्टार्वेशन की। स्टार्वेशन का मतलब कुछ प्रोसेस ऐसे हो जाएंगे जिन्हें बहुत वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए 170, अब 170 रिक्वेस्ट जो आई थी वो हमें सेकंड नंबर पे रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन पहले आपका ये रन, पहले आपने 43 पे गए, फिर आप 24 पे गए, फिर आप 16 पे गए, फिर आप 82 पे गए, फिर आप इस पे आए, यानी कि इतना टाइम तो इसको वेट करना पड़ा, ठीक है। और अगर आप अब और ऐसा, तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है ये आपका एक स्टडी एग्जाम्पल है, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में क्या नहीं होता है, जो भी क्यू है आपको पहले से तो पता नहीं होता, ये आएगा जब आप लाइव करते हो तो रिक्वेस्ट आती रहती। तो अगर कोई बड़े ट्रैक का है मूवमेंट वो तो फिर डिले डिले होता चला जाएगा, तो एक स्टार्वेशन भी एक प्रॉब्लम है। और सेकेंडली इसमें और क्या होगा, इसमें एक ओवरहेड भी जनरेट होगा इस एल्गो में। ओवरहेड का मतलब कि आपको एक टाइम के बाद जब भी आप जहां भी हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, अगला मिनिमम निकालने के लिए बचे हुए एरे से, बचे हुए जो भी रिक्वेस्ट हुई है उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना होगा। ये भी तो आपका टास्क होगा, जब आप मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे देन ओनली आप उसका डिफरेंस, तभी आप मूवमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 43 के अगर आप अभी आप हैं तो अब 43 से जो बचे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये 6 जो बच गए हैं, अब आप क्या करेंगे इसमें इन 6 वैसे मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, ये 6 में से आप मिनिमम निकालेंगे तभी आपको मालूम चल पाएगा। फिर आप जब आप निकाल लेंगे मूव कर जाएंगे, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम, तो ये क्या हो रहा है, एक ओवरहेड भी जनरेट हो रहा है, तो ये आपको इसको भी साथ में टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल रिस्पॉन्स इज गुड, ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा जो एल्गो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ओवरहेड ऑल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी अनदर शेड्यूलिंग।